नगर के कृषि मैदान में पहली बार हाथ का पंजा लड़ाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 5 दर्जन से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है। आइए आपको भी दिखाते हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें नगर के क्रिश्चियन मैदान में बने हेलीपैड पर आयोजित हो रहे कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। बता दें कि पूरे जनपद में पहली बार हाथ का पंजा लड़ाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन आयुष्टीन पावर फिटनेस संस्था की ओर से किया गया है। संस्था के डायरेक्टर भानु मिश्रा की ओर से पहली बार हाथ का पंजा लड़ाओ प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें 5 दर्जन से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ सौरभ, जो कि जनपद इटावा के NBC चैंपियन रहे, उन्होंने फीता काट कर किया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहीं प्रतियोगिता 2 वर्गों में कराई गई, जिसमें 2 प्रतिभागियों के बीच 3 मैच रखे गए थे और 3 मैचों में जो भी प्रतिभागी विजयी हुआ उसका चयन होकर उसे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का मौका दिया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथ का पंजा लड़ाने की कवायद की जा रही है। 2 प्रतिभागी हाथ का पंजा लड़ा रहे हैं और अपनी जोर आजमाइश पूरी तरीके से दिख रहे हैं और अंततः एक प्रतिभागी हाथ का पंजा गिरा रहा है और दूसरा जीत हासिल कर रहा है। ऐसी तस्वीरें लगातार देखने को मिली। वहीं आयोजन को लेकर संस्था के डायरेक्टर भानु मिश्रा ने क्या बताया है, यह जरा आप भी सुनिए। आज पहली बार यहाँ पे पंजा लड़ाने वाली प्रतियोगिता आप करा रहे हैं, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस संस्था के तहत हो रहा है? हमारा ओशन पावर फिटनेस की तरफ से हम ये कॉम्पिटिशन करा रहे हैं। ये जितने भी यहाँ मेंबर्स बैठे हुए सारे मैनपुर के जिम ओनर्स हैं। एक फिटनेस यूनियन है जो मैनपुरी में संचालक हुई है, जिसको हम लोगों ने प्रबंध किया है, जिसमें लगभग 70 से ज़्यादा एथलीट आए हैं यहाँ पे कॉम्पिटिशन करने। आसपास के जितने भी जिले हैं, कस्बे हैं, सबसे एथलीट आए हुए हैं। तो उनके लिए पहला श्रेणी है, उनमें पहले 1100 रुपये का नगद पुरस्कार, उसके साथ में जो भी फ्री बैग से हमारी कमेटी की तरफ से दिए जाएंगे वो सब प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद में हर 3 महीने 4 महीने के बाद में ऐसे बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएँ होती रहेंगी। आज स्तर छोटा है, कल स्तर बहुत बड़ा होगा और महादेव की कृपा से 1 साल के अंदर स्तर इतना बड़ा होगा जो आस पास में किसी जिले में नहीं होगा। तो जो जो बच्चे कर रहे हैं यहाँ से जीत के जाएंगे या कहाँ जाएंगे फिर? ये जीत के जाएंगे, इनका सिलेक्शन होगा आगे आने वाले 3 महीने में। एक और कॉम्पिटिशन होगा, इसमें सिलेक्शन के बाद में इनको स्टेट इवेंट कराया जाएगा, वो हमारी कमेटी कराएगी।